फ्रेंड्स, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्लास 9 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर फर्स्ट, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसके अंदर हम लोगों ने दो वीडियो हम लोग देख चुके थे, इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो देख चुके थे। लेकिन वीडियो के अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने फोर फैक्टर्स देखे थे जिनके ऊपर हमारा प्रोडक्शन पूरा स्टेबल होता है। क्लियर? जो फोर फैक्टर्स थे उसमें हमने लैंड को देखा था, लेबर को देखा था, फिजिकल कैपिटल को और ह्यूमन कैपिटल को देखा था। क्लियर? अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, फार्मिंग इन द पालमपुर, के फार्मिंग किस तरीके से की जा रही है पालमपुर के अंदर। क्लियर है? देखिएगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि लैंड्स इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन, यानी कि रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन करने के लिए, और सबसे अधिक मात्रा में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, लैंड चाहिए। और देखिएगा यहाँ पे हम किसकी, पालमपुर के अंदर मेन एक्टिविटी क्या है, गाँव है तो मेन एक्टिविटी क्या है, एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर के लिए तो लैंड्स क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन लैंड्स के साथ एक दिक्कत है, लैंड्स के साथ दिक्कत क्या है कि लिमिटेशन ऑफ द लैंड्स, कि लैंड्स जो है वो क्या है, लिमिटेड है। आप ऐसा नहीं है कि लैंड्स को बढ़ा सकते हैं, फूक मार दी और लैंड बढ़ गई, नहीं ना। लैंड जो है वो जो अवेलेबल है वो उतनी ही अवेलेबल है, उससे ज़्यादा हम उसे कर नहीं सकते, वो फिक्स्ड है। क्लियर है? तो लिमिटेशन ऑफ द लैंड एज अ रिसोर्स इज अ, लैंड इज फिक्स्ड, क्या है, लैंड क्या है, फिक्स है। आगे हम देखते हैं, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पालमपुर के अंदर मेन एक्टिविटी क्या है, आपका फार्मिंग है। क्लियर? अब फार्मिंग जो मेन एक्टिविटी है पालमपुर में, वहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट ओवर आप प्रोडक्शन। लेकिन उस मेन एक्टिविटी पर, वो जो मेन एक्टिविटी है फार्मिंग, उस पर एक रुकावट है, उसके लिए उसमें एक रुकावट है ऑफ द ओवर द फार्म प्रोडक्शन में एक रुकावट है। वो रुकावट क्या है कि लैंड्स जो है वो क्या है, फिक्स है। बिकॉज द लैंड एरिया अंडर द कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड, कि जो लैंड्स एरिया है, जो कल्टीवेशन जिस पर हम लोग करते हैं, वो क्या है, फिक्स है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हम लोग बढ़ा नहीं सकते। जिससे हम जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम कैसे इंक्रीज करें, ये हमारे पास, देखिएगा अगर ऐसा होता कि लैंड्स को हम लोग बढ़ा पाते तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाता। लेकिन लैंड इस समय पर क्या है, फिक्स है। तो हमें क्या करना है, उसी फिक्स लैंड्स पर ही क्या करना है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो ये हम किस तरीके से करते हैं, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो अ मोर फ्रॉम द सेम लैंड्स। तो क्या कोई तरीका है कि जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम लैंड से, यानी कि वही जो फिक्स लैंड है, उसी फिक्स लैंड से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। क्लियर है? इसका आंसर हम लोग अभी आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि पालमपुर के अंदर फार्मिंग किस तरीके से की जाती है, वहाँ पर पालमपुर के अंदर फार्मिंग कैसे कैसे हो रही है। क्लियर है? तो देखिएगा, पालमपुर के अंदर क्या है, ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। यानी कि पालमपुर के अंदर जितनी भी जमीन है जिस पर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, जिस पर हम फार्मिंग कर सकते हैं, उस पूरी लैंड्स पर क्या की जा रही है, फार्मिंग की जा रही है। किसी भी जमीन को आइडल नहीं छोड़ा जा रहा, खराब नहीं या खाली नहीं छोड़ा जा रहा। क्लियर है? सारी जमीनों पर क्या की जा रही है, खेती की जा रही है। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, आगे वो वहाँ के जो किसान हैं वो किस तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं वो हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन के समय पर, जिस समय पर ऑनसेट ऑफ द रेन होता है, जैसे कि रेनी सीजन स्टार्ट होता है, ऑनसेट होता है, एक वहाँ पर क्रॉप बोई जाती है। आपको पता हो कि लास्ट 10th के अंदर आप अच्छे से पढ़ोगे जो क्रॉपिंग सीजन होते हैं उनके बारे में, खरीफ और रवि के बारे में, और छोटी क्लासेस के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन वहाँ पर खरीफ क्रॉप बोई जाती है, खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। कौन कौन सी क्रॉप्स होते हैं, ज्वार और बाजरा। क्लियर है? दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज अ कैटल फीड, और उन ज्वार और बाजरा का यूज़ करते हैं वो क्या करने, अपने जानवरों को फीड कराने के लिए, और उसमें से कुछ अपने पास रख लेते हैं, कुछ कैटल्स को फीड करा देते हैं। क्लियर है? इसके अलावा इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर, और अक्टूबर नवंबर के बीच में वो लोग क्या, किस चीज़ की खेती करते हैं, पोटैटो की खेती करते हैं। क्लियर है? और इन विंटर सीजन, रबी सीजन, यानी इन विंटर सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रबी सीजन बोलते हैं। क्लियर है? तो इन विंटर सीजन फील्ड्स आर सोन विद वीट, और विंटर सीजन वो लोग क्या बोल देते हैं, वीट को बोलते हैं। तो आप देखिए कि वो एक ही पीस ऑफ लैंड्स पर या एक ही फील्ड्स पर वो क्या कर रहे हैं, वो एक साल के अंदर तीन खेती कर रहे हैं। पहला खरीफ सीजन के अंदर क्या कर रहे हैं, वो ज्वार बाजरा बो रहे हैं, फिर आपने देखा पटेटो उगा रहे हैं, फिर आपने देखा कि रवि सीजन में वो क्या कर रहे हैं, वीट कर रहे हैं। क्लियर है? इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं, अ पार्ट ऑफ लैंड्स एरिया इट इज आल्सो डेवलप्ड टू अ सुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस अ ईयर। देखिएगा, वो सारे फील्ड्स पर ये तीन खेती कर रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ पीस ऑफ लैंड्स पर वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने कुछ पीस ऑफ लैंड्स पर क्या करते हैं, वो कि एक फसल लगाते हैं सुगर केन की,
जो पूरे एक साल के अंदर कंप्लीट होती है, क्लियर है। तो एक साल के लिए क्या कुछ पीस ऑफ लैंड पे क्या करते हैं वो सोर के लगा देते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि ये पीस था किसी किसान के पास में, तो उसने क्या किया इस हिस्से पे, तो क्या कर दिया तीन खेती कर रहा है वो, रवि खरीफ सीजन में आपकी ज्वार बाजरा लगा रहा है, पोटेटो लगा रहा है, फिर क्या कर रहा है आपकी वीट कर रहा है रवि सीजन में, क्लियर है। लेकिन ये जो पीस ऑफ लैंड है, ये बचा हुआ पीस ऑफ लैंड है, इस पर वो क्या कर देता है शुगर केन लगा देता है। क्या लगा देता है शुगर केन लगा देता है, क्लियर है। तो अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डेवलप्ड टू शुगर केन इन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, जो हर साल में किया जाता है, क्लियर है। और उस शुगर केन का यूज वो खाने के लिए नहीं करते हैं, उस शुगर केन का यूज वो किस लिए करते हैं देखिएगा, इट इज यूज टू मेक अ जैगरी, और उससे वो क्या बनाते हैं जैगरी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, क्लियर है। इट मीन्स वहां पर क्या है छोटी मोटी इंडस्ट्रीज भी है जहां पर क्या किया जा रहा है शुगर केन की हेल्प से क्या बनाई जा रही है जैगरी भी बनाई जाती है। जब हम लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर तब तो हमें उस चीज की जरूरत पड़ेगी, क्लियर है बेटा। तब मैं समझाऊंगा कि इंडस्ट्रीज के अंदर कैसे वहां पर काम हो रहा है, क्लियर है। फिलहाल में आप इतना समझिए कि जो किसान है वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ पीस ऑफ लैंड्स पर क्या कर रहे हैं कि साल में तीन खेती कर रहे हैं, और कुछ पीस ऑफ लैंड्स पर वो क्या कर रहे हैं शुगर केन उगा रहे हैं, और उसको वो एक साल के अंदर कंप्लीट करते हैं, क्लियर है। आगे इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, देखिएगा, देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि फार्मिंग इन पालमपुर में और कैसे कैसे हो रहा है, फार्मिंग हो रही है। तो देखिएगा वहाँ पे जो फार्मिंग, देखिए एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो अ मोर मोर फ्रॉम अ सेम पीस ऑफ लैंड, यानी कैसे हम लोग, हमारा जो क्वेश्चन था कि हम लोग कैसे एक फिक्स लैंड से हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं किसका फार्मिंग की, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे कुछ तरीके बताऊंगा आपको। पहला जो तरीका होता है बेटा वो होता है हमारा, मान के एक होता है मल्टीपल क्रॉपिंग, क्लियर है। और एक होता है मल्टीपल क्रॉपिंग, एक होता है मिक्स्ड फार्मिंग। तो इन दोनों के बीच में आप पहले तो थोड़ा सा डिफरेंस समझिए बेटा, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है। जैसे कि ये मान लेते हैं ये पीस ऑफ लैंड्स है, अब इस पीस ऑफ लैंड्स पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं खरीफ सीजन में अलग क्रॉप कर रहा हूँ, रवि सीजन में अलग क्रॉप कर रहा हूँ, और अक्टूबर नवंबर में अलग क्रॉप कर रहा हूँ, यानी कि मैं एक साल में तीन क्रॉप कर रहा हूँ, क्लियर, एक पीस ऑफ लैंड्स पर। तो इसे हम बोलेंगे क्या मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि एक पीस ऑफ लैंड्स पर कई सारी फसलों का करना अलग अलग सालों में, तो क्या कहलाएगा मल्टीपल क्रॉपिंग। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूँ मिक्स्ड फार्मिंग में, क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये पीस ऑफ लैंड से मैंने एक ही समय पर एक ही टाइम पर यहाँ पर वीट लगा दिया, और इस जगह पर मैंने मान लेते हैं मैंने यहाँ पर रागी लगा दी, क्लियर है। तो दोनों मैंने क्या किया एक पीस ऑफ लैंड पे दो क्रॉप लगा दिए एक साथ, क्लियर। तो इस तरीके की फार्मिंग हम लोग क्या बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया, मिक्स्ड फार्मिंग हो गया, दीज आर द सम मेथड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑन अ फिक्स्ड लैंड्स, क्लियर। यानी कि ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं फिक्स्ड लैंड्स पे ही क्या कर सकते हैं प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या है, रोल ऑफ द इरीगेशन, इरीगेशन का बहुत बड़ा रोल है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा रोल है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग में आपको बता चुका बेटा कि एक साल में तीन से ज्यादा दो या तीन से ज्यादा क्रॉपिंग करना कि मल्टीपल क्रॉपिंग होता है, मॉडर्न फार्मिंग अभी हम आगे समझेंगे मॉडर्न फार्मिंग क्या होती है, मेथड्स इन इंक्रीज द प्रोडक्शन, ये सारे कुछ मेथड्स हैं, ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, क्लियर है। तो समझते हैं इरीगेशन, सबसे पहला तो हमारा इरीगेशन था, इरीगेशन को समझते हैं। इरीगेशन मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं ग्रोन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किससे इरिगेशन से, इन रवि एंड अ जैद सीजन, क्योंकि आपको पता है रवि सीजन में और जैद सीजन में ज्यादा बारिश नहीं होती है ना। खरीफ क्रॉप में रेनी सीजन होता है तो खरीफ क्रॉप में बारिश होती है, लेकिन रवि क्रॉप में, रवि सीजन में और जैद सीजन में नहीं होती है। तो उस समय हम लोग जब बारिश नहीं हो रही है तो हम लोग क्या करें, हम लोग इरीगेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं क्रॉप्स को पानी दे सकते हैं, और उससे हमारी क्रॉप्स अच्छे से हो सकती है, क्लियर है। तो मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन रवि सीजन, इन रवि एंड अ जैज सीजन, क्लियर। और अच्छे इरिगेशन के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है, अच्छे इरिगेशन के लिए हमें वेल्स अच्छे होनी चाहिए हमारे पास में, ट्यूबवेल्स होने चाहिए, पॉन्ड्स होने चाहिए, कैनल्स होने चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल है क्या करने में, इरीगेशन करने में, वो देखते हैं अभी। वेन द इरीगेशन फैसिलिटी वॉज इलेक्ट्रीफाइड, यानी कि जो जो इरीगेशन करने की जो फैसिलिटी अगर हमारी कैसी हो रहा है इलेक्ट्रीफाइड हो जाए, इलेक्ट्रीफाइड का मतलब है कि जो ट्यूबवेल्स वगैरह हैं हमारे जो समर्सिबल्स वगैरह हैं वो किससे इलेक्ट्रिसिटी से चलना शुरू कर दें, क्लियर है। तो फार्मिंग इन पालमपुर
गॉट बूस्ट, तो जो फार्मिंग है वो हमारी क्या हो जाएगी, बूस्ट होने जाएगी, क्योंकि हम जब हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके इरिगेशन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इरिगेशन दे पाएंगे किसको, अपने फील्ड्स को, और जब हम ज़्यादा हम इरिगेशन देंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो हमारी फार्मिंग इन पालमपुर गेट गॉट अ बूस्ट। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर्ड द सिस्टम ऑफ इरीगेशन, क्लियर है, जो पहले हम जो सिस्टम था हमारे यहाँ पर इरीगेशन करने का, यानी कि पहले हम वेल्व की हेल्प से या पोंड से कैनाल से जो क्या करते थे इरीगेशन करते थे, जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो हमारा जो सिस्टम था इरीगेशन करने का वो क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर बेटा, आगे देखते हैं सिचुएशन ऑफ इरीगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी इन आवर कंट्री। हम अपनी कंट्री की सिचुएशन को भी देखते हैं कि आज की डेट में हम लोग देखते हैं हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे जो गांव हैं वो कैसे इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या किया जाता है, इरीगेशन किया जाता है। तो जिन गांव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इरीगेशन किया जाता है वो गाँव क्या कर रहे हैं, इस वे पर डेवलप कर रहे हैं। वो डेवलप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है बेटा, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो लोगों के पास में पैसा भी आ रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। दूसरा मैंने यहाँ पे आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे एक इरीगेशन समझा दिया मैंने, इलेक्ट्रिसिटी समझा दिया, मल्टीपल क्रॉपिंग में इससे पहले समझा चुका कि एक ही फील्ड्स पर दो या तीन क्रॉप्स एक साल के अंदर करना क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। आगे देखते हैं मॉडर्न फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या होता है। क्लियर, तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूजिंग द मॉडर्न फार्मिंग टू इंक्रीज द यील्ड फ्रॉम द गिवन पीस ऑफ लैंड्स, यानी कि हम लोग किन का यूज करें, मॉडर्न फार्मिंग का यूज करें, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन जो पीस ऑफ लैंड है, जो जो फिक्स पीस ऑफ लैंड है उस पर हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके। क्लियर है, अब मॉडर्न फार्मिंग के अंदर हम किन किन चीजों का यूज करते हैं वो हम अभी आगे देखते हैं। तो देखिएगा मॉडर्न फार्मिंग में, मॉडर्न फार्मिंग में क्या है कि यूजिंग द मॉडर्न फार्मिंग टू इंक्रीज द यील्ड फ्रॉम द गिवन पीस ऑफ लैंड, यानी कि हम पीस ऑफ लैंड से, सेम पीस ऑफ लैंड से हम क्या कर सकें, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो इसके लिए मॉडर्न फार्मिंग में हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, इन आ मॉडर्न फार्मिंग वी यूज आ HYV सीड्स, यानी कि हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, यानी कि ऐसे सीड्स का यूज़ करें, ऐसे बीजों का यूज़ करें जिससे हाई वेराइटी निकल सके, जो हाई वेराइटी के सीड्स होते हैं जिनसे प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसे सीड्स का हम लोग क्या करें, यूज़ करें। उसके साथ साथ मॉडर्न मशीनरी, मॉडर्न मशीनरीज का यूज़ करें, जैसे कि ट्रैक्टर्स का, थ्रेशर्स का, नई नई मशीन्स का यूज़ करें, क्या करने के लिए, अपने एग्रीकल्चर को करने के लिए। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर बेटा, इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था आपको डॉक्टर MS स्वामीनाथन लेकर आए थे 1960s के आसपास लेकर आए थे बेटा। क्लियर है, तो इन द लेट 1960 फॉर्मर फार्मर इन पंजाब हरियाणा एंड अ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यूज द HYV सीड्स। इसमें क्या कहा गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या कहा गया था कि जो फार्मर्स हैं वो फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या करें, HYV सीड्स का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा इरीगेशन का यूज़ करें, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें, जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ये कब आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, आपसे कई बार क्वेश्चन सीधा यही आता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया और कौन लेके आया, तो MS स्वामीनाथन जी लेके आए। कब लेके आए, लेट 1960s में। क्लियर, और सबसे पहला यूज इनका कहाँ पे किया गया, कि ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन कहाँ पर बढ़ा गया, तो पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर क्या किया गया, HYV सीड्स का यूज़ किया गया, इरीगेशन, हाई इरीगेशन का यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया गया, पेस्टिसाइड का यूज़ किया गया टू इंक्रीज द यील्ड, जिससे क्या उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। क्लियर है, तो यहाँ से आपने देखा कि इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या प्रोडक्शन बढ़ाना सफिशियंट है, क्या किसी फिक्स ऑफ लैंड्स का, फिक्स ऑफ लैंड्स पर मैं इन चीज़ों का यूज़ करके, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करके, मल्टीपल क्रॉपिंग्स का या मॉडर्न इनका यूज़ करके, मॉडर्न मेथड्स का यूज़ करके, HYV सीड्स का यूज़ करके, हाई इरीगेशन का यूज़ करके प्रोडक्शन को बढ़ाऊँ, तो क्या वहाँ की जो सॉइल है या वहाँ की जो लैंड्स है उस पर भी कोई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, वो हम यहाँ पर देखते हैं। विल द लैंड्स इज सस्टेन, क्या वो लैंड सही रहेगी, तो साइंटिफिकली जो साइंटिस्टों ने रिपोर्ट दी बेटा, साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज। क्या कहा साइंटिस्टों ने, क्योंकि शुरुआत में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर आए हैं और ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत अधिक मात्रा में यूज़ किया पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट आने लगा। और जब साइंटिस्टों ने इस चीज़ को देखा तो साइंटिस्टों ने क्या रिपोर्ट दी, साइंटिस्टों ने कहा कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का अगर हम लोग ओवर यूज करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हमारी जो लैंड्स है, हमारी जो सॉइल्स है, वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। क्लियर है, तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखिएगा जो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s के आसपास आया था उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट आया, कहां पर, पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, वो हम लोग देखते हैं। हमें ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल ऑफ फर्टिलिटी, सबसे पहला चीज,
कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इन जगहों पर जो सॉइल थी उस सॉइल की फर्टिलिटी चली गई। क्लियर? क्यों चली गई? ड्यू टू द इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। क्योंकि हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या कर रहे थे, बहुत अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे थे, तो केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से वहां पे जो सॉइल थी उस सॉइल की फर्टिलिटी चली गई। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, क्योंकि हमने यहाँ पे इरीगेशन का भी बहुत अधिक मात्रा में यूज किया था, तो जब हमने ग्राउंड वाटर का बहुत अधिक मात्रा में यूज किया ट्यूबवेल्स के द्वारा क्या करने के लिए, अपने फील्ड्स को इरीगेट करने के लिए, तो इससे कहीं ना कहीं हमारा जो वाटर लेवल था, जो वाटर टेबल था, यानी कि जो वाटर था हमारी जमीन के अंदर, वो क्या हो गया, नीचे जाने लग गया। क्लियर? तो कंटिन्यूस यूज ऑफ द वाटर ग्राउंड फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज लेड टू द डिप्रीडेशन ऑफ द वाटर टेबल। तो दीज आर द नेगेटिव इंपैक्ट, दीज आर द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन द अवर लैंड्स। क्लियर है? आगे देखते हैं एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक अ सॉइल फर्टिलिटी एंड अ ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। यानी कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है और जो सॉइल की फर्टिलिटी, ऐसा नहीं है बेटा ये एक बार चली गई तो तुरंत आ जाएगी, इनको बनने में, इनको दोबारा से बनने में, ये इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, इन सबको दोबारा बनने में क्या लगते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। वंस दे आर डिस्ट्रॉयड इट इज डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। अगर ये एक बार पूरी तरीके से खत्म हो गए तो इनको लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वी मस्ट, इसलिए ये बहुत जरूरी है, वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का ध्यान रखें, जिससे कि हमारा फ्यूचर में डेवलपमेंट एग्रीकल्चर से हो सके। क्लियर हुआ? तो जो आप लोगों ने देखा कि जो मॉडर्न फार्मिंग है, मल्टीपल क्रॉपिंग है, मिक्स्ड फार्मिंग है, दीज आर द सम मेथड टू इन विच वी कैन बी आ कैन ग्रो अ मोर प्रोडक्शन फ्रॉम अ फेस फिक्स लैंड्स, बट दीज हैव अ मेनी साइड इफेक्ट्स, इट दीज हैव अ मेनी नेगेटिव इम्पैक्ट। क्लियर है? जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960 में, तो क्यों लाया गया था कि जैसे कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता हुआ किस पर, हमारे इंडिया के ऊपर। क्लियर है? नेक्स्ट आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।